नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मित्रों, ये 6.5 HP 85 mm का बैरिंगों वाला पंपिंग सेट इंजन है, जो कि देखिए ये स्टार्ट दिक्कत से हो रहा है, काफ़ी दिक्कत से, और स्टार्ट होने के बाद ये पूरा सही वर्क नहीं कर रहा। ये देखिए झटके से और वाइट सा धुआं दे रहा है, ये रेगुलर स्पीड में नहीं चल रहा, तो काफ़ी धुआं है। अब एक बार इसकी ठोकर चेक कर लेते हैं, ठोकर चेक करके देखते हैं कि कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। बने रहिएगा वीडियो पर, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए हम पंप खोल के देखते हैं पहले कि ठोकर की क्या स्थिति है। यदि ठोकर में थोड़ा संशोधन करके कुछ हो जाएगा तो देखते रहिएगा। ये ठोकर यहाँ पर है, अभी हम ठोकर को थोड़ी सी अभी बढ़ाएंगे। ये देखिए हमने ठोकर को खोला है, अब इसको एक चाबी से पकड़कर और हम ऊपर वाला ये नट खोल लेंगे। खोल करके थोड़ा सा ठोकर को हम बढ़ा रहे हैं, एक या दो छुड़ी घुमा करके इसको बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये थोड़ी सी ठोकर को बढ़ा लिया है। अब इसको इसी तरह से अच्छी तरह से टाइट करके फिर लगा लेंगे। ये ठोकर को लगा लिया है, अब पंप को खींच लेंगे। दोनों नटों के थ्रू पंप को टाइट करके अच्छी तरह से टाइट करेंगे। अब एक बार प्रेशर पाइप खींचकर, खींचने से पहले तेल देख लेते हैं। तेल भी सही परफेक्ट आ रहा है, तो अब पाइप को खींच लेंगे। पाइप को खींच करके स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। पाइप को कस लिया है, अब ये देखिए ये हम स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। पहले ये हो गया था, लेकिन अब ये ज़्यादा प्रेशर लीक करने लगा है। ये देखिए हम प्लेट खोलेंगे, तो प्लेट खोलने के बाद ये देखिए काफ़ी धुआं यहाँ दिखाई दिया है, तो ये लाइनर पिस्टन बैक कंप्रेसर कर रहा है। अब बने रहिएगा, देखिए अब इसके अंदर क्या क्या खराबियां हैं। अब खराबियां देखेंगे इसके अंदर, जो जो भी चीज़ें इसकी ख़राब हैं हम आपको बता देते हैं जल्दी फटाफट खोल करके, ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्यों नहीं हो रहा स्टार्ट। ये देखिए काफ़ी हेड भी लीक कर रहा है इसका, ये काफ़ी कचरा इसमें कार्बन जमा हुआ है। ये भी खोलने के बाद हम आपको परफेक्ट दिखाएंगे। ये टंकी वगैरह खोल लेते हैं, क्योंकि टंकी खोले बिना हम सिलेंडर ब्लॉक को नहीं हटा सकते, तो जल्दी से हम ये सब कुछ पंप वगैरह दोबारा से खोल लेते हैं, ताकि ये यहाँ का जो अल्टर है वो हट जाए। ये हम अब हेड खोल लेंगे, हेड के चारों नट खोल करके हेड को उठाएंगे।
सिलेंडर हेड को हमने अलग कर लिया है। अब एक बार लाइनर चेक कर रहे हैं तो ये लाइनर काफ़ी कट चुका है, ये हम इसको निकाल करके हम आपको दिखा देंगे। ये सिंगल होल प्लेट खोल करके अलग करेंगे और ये प्लेट खोल लेंगे हम, पंप प्लेट, सिक्स होल प्लेट होती है ये। ब्लॉक के स्टड नट खोल करके भी अलग करके सिलेंडर ब्लॉक को हटाएंगे। ये देखिए ये प्लेट को अलग कर लिया है। पंप लीवर इसका ये देखिए ये काफ़ी कट चुका है। अब सिलेंडर ब्लॉक को हमने हटा लिया है। ये देखिए पिस्टन काफ़ी, ये देखिए गैप बन चुका है इसके अंदर, जिसके कारण ये बैक कंप्रेसर कर रहा है और ये स्क्रैच भी इस पिस्टन के अंदर आ चुकी हैं काफ़ी। जो रिंग वाला ये देखिए ये यहाँ से काफ़ी देख रहे हैं आप ब्लैक हो चुका है, कार्बन जम गया है, लाइनर कट चुका है काफ़ी। अब हम ब्रश खोलेंगे सीआर बैरिंग 18 नंबर से, ये सारे नट दोनों नट खोल करके हम पिस्टन को ऊपर निकाल लेंगे। पिस्टन ऊपर निकालने के लिए हमें एक ये सीआर बोल्ट अलग निकालना पड़ेगा, तब ये बाहर आती है 85 mm में। देखिए ब्रास तो अभी सही हैं क्योंकि ब्रासों की पोजीशन इतनी भद्दी नहीं है, ख़राब नहीं है, लेकिन हम ब्रास भी इसके अंदर जब बनाएंगे इसको तो नए ही लगाएंगे। क्रैंक की पोजीशन भी बिल्कुल एकदम ओके है, क्रैंक परफेक्ट है बिल्कुल। ये रोकर लीवर कट चुके हैं काफ़ी, ये भी हम चेंज करेंगे। तो मित्रों ये वीडियो हम आपको सब कुछ जो चीज़ ख़राब है वो दिखाने के लिए बना रहे हैं। आगे हम अगली वीडियो में इसकी कंप्लीट रिपेयरिंग करके हम दिखाएंगे। ये नोज़ल प्लंजर भी हम इसमें दूसरे डालेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, इसमें प्लंजर भी हम दूसरा लगाएंगे, डिलीवरी वाल्व और प्लंजर। ये हेड की पोजीशन भी दिखा देते हैं आपको, ये काफ़ी डाउन हो चुका है। और ये देखिए अब हम इनको खोल करके आपको दिखा देते हैं कि पोजीशन क्या है हेड की। इस तरह से पानी की मदद से लॉक हटा करके इनको निकाल लेंगे। ये देख लीजिएगा बाल हमने बाहर निकाला है। ये सीट काफ़ी गहरी हो चुकी है, ये यहाँ देखिए कहीं कहीं ये डोड़ापन इसमें आ गया है और ये यहाँ जो इसकी डंडी है ये काफ़ी घिस गई है। तो ये हेड भी हम रिपेयर करवाएंगे या करेंगे। ये दोनों वाल्व ख़राब हो चुके हैं। तो मित्रों बस ये यहीं तक दिखाना था आपको। अब इसकी रिपेयरिंग वीडियो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको सब कुछ करके। ये इसका आयल भी ख़राब हो चुका है। अब ये हम कनेक्टिंग रोड अलग करके सीआर बुश और चेक करेंगे इसका, कनेक्टिंग रोड का बुश। इस तरह से निकाल लेंगे और ये गजन पिन तो कट ही गई है, ये देखिए बुश भी काफ़ी इसमें पिले आ गई है, तो ये भी हम नया लगाएंगे। तो मित्रों ये वीडियो यहीं तक, आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।